वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हमारी ब्रांड न्यू सर्वाइवल सीरीज, और इस सर्वाइवल सीरीज का एपिसोड नंबर 1 होने वाला है। और अगर आप इस पे अच्छा खासा सपोर्ट दिखा दोगे तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा। तो चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हमें एक नया वर्ल्ड क्रिएट करना पड़ेगा, और हम इसका नाम क्या रखे। A few moments later. ओके, तो अभी मैंने इसका नाम सोच लिया है, तो हम इसका नाम रखेंगे कुछ भी। हाँ, यही हमारे वर्ल्ड का नाम होने वाला है। तो चलो भी मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। और ये क्या लिखा है भाई, यूज फैंटम मेम्ब्रेन्स टू रिपेयर योर इलाइट्रा। ओके भाई, रिपेयर तो कर लेंगे, लेकिन पहले इलाइट्रा तो मिलने तो पहले ही बता दे रहे ये लोग तो। ओके, तो मैं अपने वर्ल्ड में स्पॉन हो चुका हूँ, तो सबसे पहले तो मुझे अपने स्पॉन को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे एक मुर्गी आ रही है, इधर आ। अबे ऊपर किधर जा रही है, मुझे तो लगता है ये डिस्प्रेशन में ऊपर जाके नीचे कूद जाएगी। शायद से मुझे किसी आइलैंड पे स्पॉन किया है, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो ट्रीज ढूंढनी पड़ेंगी, क्योंकि माइनक्राफ्ट की परंपरा अभी तो निभानी है ना, तो इसलिए मुझे सबसे पहले तो अपने टूल्स बनाने पड़ेंगे स्टार्टिंग के। ये कौन सी घटिया जगह पे स्पॉन कर दिया भाई, मुझे यहाँ पे एक भी ट्री नहीं मिल रहा, ऐसी घटिया जगह है भाई, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कम से कम स्पॉन के पास एक ट्री तो होना चाहिए ना। ओ वेट, ये क्या है भाई, स्पॉन के पास सीधा विलेज ही मिल गया। अबे भाई, अभी तक एक ट्री नहीं मिल रहा था, डायरेक्ट विलेज ही दे दिया भाई, ये हुई ना कुछ बात। चलो जल्दी से उसको लूट लेता हूँ। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ से कुछ बेसिक टूल्स बना लेता हूँ। लेट्स गो, तो हमारे बेसिक टूल्स रेडी है। तो चलो अभी हम जल्दी से इस विलेज को इन्वेस्टिगेट करते हैं। ओके, तो कोई है क्या इस घर में, चलो कोई नहीं है, जल्दी से बेड ले लेता हूँ। तो चलो अभी हम चलते हैं आगे, यहाँ पे कुछ मिलता है या फिर नहीं, कोई है क्या इसमें, और कोई भी नहीं है। नॉक नॉक, मैं आया हूँ, कोई है क्या भाई, कोई भी तो नहीं है। ये कौन सा विलेज मिल गया भाई, कोई नहीं दिख रहा। ओ गधे को गधा मिल गया। और भाई कैसा है, छोटू सा गधा है भाई, बिल्कुल क्यूट सा। चलो आगे चलते हैं। और ये देखो यहाँ पे आयरन कॉलम है। अबे भाई, आयरन कॉलम को क्या देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे तो ब्लैक स्मिथ है। तो चलो देखते कि इसके पास क्या है भाई, चेस्ट में क्या है। ओ भाई, अच्छी लूट है भाई, इतना सारा आयरन मिल गया और ऊपर से और भी बहुत सारी चीजें। ओके, तो चलो भी हम चलते यहाँ से बाहर। और ये देखो यहाँ पे एक आयरन कॉलम घूम रहा है। और अगर तुम विलेज में आके भी आयरन कॉलम को नहीं मार रहे हो ना, तो तुम सबसे ज्यादा बड़े वाले अपराधी हो। मैं तो बोलता हूँ अपने आप को जेल में डाल दो। अच्छा, क्योंकि विलेज के आयरन कॉलम को मारना कंपलसरी है, किसी भी माइनक्राफ्ट प्लेयर को पूछ लेना, इट्स अ फैक्ट ब्रो। ठीक है, समझ गया। लेट्स गो, तो चलो देखते कि इसने कितने आयरन दिए। 10 हो गए, तो मेरे पास 5 ऑलरेडी थे, तो इसका मतलब इसने भी 5 ही दे, तो अच्छी बात है भाई, मैक्सिमम 5 ही देता है। और इस घर में क्या है भाई, चलो देखते हैं। अबे भाई ये क्या कर रहा है, ओए लाइब्रेरियन वहाँ पे क्या कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमें एक और ब्लैकस्मिथ का घर मिल चुका है, तो इसको भी लूटना बनता है ना। तो इसने यहाँ पे कुछ फर्नेस रखे, तो ये भी ले ही लेता हूँ, क्या करेगा फालतू के फर्नेस रखे है कि नहीं। ओके, तो चलो चलते आगे। यहाँ पे चेस्ट होती है, तो चेस्ट में देखते कि क्या है। ओ भाई, ये भी अच्छी चेस्ट है, इसमें भी बहुत सारा आयरन है, और इस चेस्ट में ऑब्सिडियन भी है, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम बात है, ऑब्सिडियन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो इसको भी मैं ले ही लेता हूँ। एक काम करता हूँ, ये चेस्ट ही ले लेता हूँ, क्या करेगा चेस्ट का भी है कि नहीं। और भाई कैसा है, यहाँ पे क्या कर रहा है तू, एक काम करता हूँ मैं तेरा कॉबलस्टोन भी ले ही लेता हूँ, वैसे कॉबलस्टोन का भी क्या ही कर लेगा तू। अबे भाई ये क्या हो रहा है, ये शायद से कंप्लेंट करने के लिए जा रहा है। वो देखो कंप्लेंट भी किसको कर रहा है, लाइब्रेरियन को। अबे भाई उससे दूर रहकर, वो ठीक आदमी नहीं है भाई। यार ये विलेज तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन एक मामले में गरीब लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक भी हेबेल नहीं दिखी अभी तक। मुझे हेबेल भी तो चाहिए होगी ना, क्योंकि मेरे पास खाना नहीं है। और वो देखो मुझे हेबेल दिख गई, घोड़े के पास है भाई। अभी अगर थोड़ा सा लेट हो जाता ना, तो ये घोड़ा खा ही लेता भाई, बच गया। तो चलो जल्दी से ये भी उठा ही लेता हूँ मैं। ओके, तो अभी मेरे पास बहुत सारे हेबेल हो चुके हैं, तो चलो देखते हैं कि इससे कितने ब्रेड बनते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो ब्रेड बना लेता हूँ, लेट्स गो गाइस। अबे यार हटना है यहाँ से, क्या मुंह मार रही है यहाँ पे। ओके, तो मेरे पास 53 ब्रेड हो चुके हैं, जो कि इनफ है भाई मेरे लिए। 53 ब्रेड इज इक्वल टू 1 महीने का राशन फॉर मी। ओके, तो अभी मेरे पास जितना आयरन है ना, उससे मैं सबसे पहले तो अपना आयरन का जो सामान बचा है ना, वो बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास चेस्ट प्लेट नहीं है, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ी सी वुड लानी पड़ेगी, तो जल्दी से मैं वुड लाता हूँ। ओके, तो अभी मेरे पास बहुत सारी वुड है, तो चलो जल्दी से चेस्ट प्लेट बना लेता हूँ। और अभी हमारे पास सिर्फ हेलमेट की कमी है, लेकिन हेलमेट से पहले मैं यहाँ पे एक एक्स बना लेता हूँ, क्योंकि हेलमेट से ज्यादा जरूरी एक्स होती है। तो चलो जल्दी से एक्स बना लेता हूँ। ओके, तो अभी हमारे पास सब कुछ हो चुका है, तो चलो अभी हम चलते हैं एक अच्छी से जगह ढूंढने हमारे घर बनाने के लिए। ओके, तो हमारा घर बनाने के लिए मेरे ख्याल से ये जगह ठीक होगी,
लगी क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा प्यारी है और इस जगह के पास ही समुंदर है और यहाँ से हमारा विलेज भी ज्यादा दूर नहीं है, तो ये जगह मेरे लिए बेस्ट है और ये जगह ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा प्लेन है तो मुझे ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। ओके तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो एक शवल बना लेता हूँ। ओके तो अभी रात हो चुकी है तो चलो जल्दी से सो जाता हूँ। अबे भाई सोने के लिए कौन नखरे दिखाता है, चलो सनसेट ही एंजॉय कर लेता हूँ। ओके तो अभी तो सो जा भाई, इतना टाइम पास कौन करता है भाई। मेरा अगर बस चले ना तो मैं 2 मिनट में सो जाऊँ। गुड मॉर्निंग गाइस, तो चलो अभी हम चलते हैं हमारे घर की जगह को प्लेन करने के लिए। ओके तो अभी हमारी घर की जगह पूरी प्लेन हो चुकी है तो यहाँ पे मैं अपना घर बना सकता हूँ। तो चलो जल्दी से अपने घर बनाने के लिए रिसोर्सेस कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके तो सामने एक रुइन पोर्टल दिख रहा है तो इसको भी लूट लेता हूँ क्योंकि फ्री का गोल्ड मिल रहा है, क्या दिक्कत है कि नहीं। तो चलो यहाँ से मैं गोल्ड ले लेता हूँ और रुइन पोर्टल में एक ही गोल्ड थोड़ी ना होता है, यहाँ पे एक और ब्लॉक होना चाहिए। ओके तो ये रहा ऊपर है तो इसको भी मैं ले ही लेता हूँ, फ्री का गोल्ड है लेना चाहिए नहीं तो पाप लगता है। ओके तो चलो आ जा भाई। अबे भाई ये क्या हो गया, लावा में गिर गया यार, मुझे ध्यान से लेना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, चलो देखते कि चेस्ट में क्या है। ओके तो इसमें गोल्डन एप्पल है जो कि अच्छी बात है भाई, और इसमें ऑब्सिडियन भी है जो कि ठीक ठाक है भाई। ओके तो अभी मैंने अपना घर बनाने के लिए सभी सामान कलेक्ट कर दिया है, लेकिन मैं आपको अपना घर बनाने वक्त नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मेरे फोन में बहुत ही ज्यादा कम स्टोरेज है, तो इसलिए मैं जल्दी से आप लोगों से मिलता हूँ अपना घर बनाने के बाद। 6.5 hours later लेट्स गो गाइस, अभी मेरा पूरा घर रेडी हो चुका है तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। 3, 2, 1 तो ये रहा हमारा घर, देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो जैसे ही हम गेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें सीढ़ियाँ मिल जाएगी और अगर हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पे मैंने कुछ भी बनाया नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा एंचेंटमेंट टेबल रखूँ और अगर हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे मैं छोटा सा टेबल बनाया जहाँ से हम अच्छा सा व्यू ले सकेंगे। और अगर हम जैसे घर के अंदर जाएंगे तो हमारे सामने रखा होगा एक बेड, तो हमें घर के अंदर जाते ही सीधा सो जाना है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चेस्ट लगाई और थोड़े से फर्नेस लगाए जिससे कि हमारा घर अंदर से भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ओके तो अभी हम चलते हैं इस तरफ, तो यहाँ पे हमारी छोटी सी बालकनी आएगी जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे मैंने कुछ जगह पे लैंटर्न भी यूज की है क्योंकि मेरे पास बहुत ही ज्यादा कम आयरन था, तो इसलिए मैंने बहुत ही ज्यादा कम लैंटर्न यूज की है। तो अगर आप इस घर को रेट करना चाहोगे तो आप इसको 10 में से कितना रेट करोगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलो भी मिलते इस तरह के अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।